प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ अक्सर सोचता हूँ कि यह काम समाप्त करके उस काम को पूरा करके भगवान का नाम लूंगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाता। माँ, ऐसा भला कहीं हो सकता है? अगर लोग यह सोचें कि समुद्र की लहरें शांत हो जाएं तब स्नान करूं, तो जैसे यह नहीं हो सकता, उसी प्रकार गृहस्थी के काम पूरे करने के बाद भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। भगवान के नाम के लिए अधिक समय देने का प्रयत्न करो। उनकी बात ही बात है, बाकी सब वृथा और व्यथा है। जो दिन चला जाता है वह वापस नहीं आता। प्रश्नकर्ता, माँ, अगर मैं किसी एक पत्थर की पूजा करूं या कैलेंडर के कृष्ण की पूजा करूं, तो क्या इससे उन्हें नहीं पाया जा सकता? माँ, क्यों नहीं पाया जा सकता? प्रश्नकर्ता, किसी ने कहा है कि जब तक गुरु हमारे पीछे ना रहें, तब तक इस रूप में की जाने वाली पूजा अधिक दूर तक अग्रसर नहीं होती। इसलिए कुछ लोग जब यह कहते हैं कि कृष्ण दर्शन हुआ या कोई वाणी सुनी, तब इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आगे चलकर ज्ञात होता है कि वह वाणी सत्य नहीं थी। माँ, वे सत्य इसलिए नहीं होती कि वे बातें कृष्ण की नहीं होती। वे सब तो अपने भीतर की इच्छा शक्ति के खेल होते हैं। गुरु की तो आवश्यकता होती ही है। गुरु कौन? वे ही तो एकमात्र गुरु हैं। अक्सर पूर्व जन्म के सद्गुरु के प्रभाव की वजह से इस जन्म की साधना के दौरान संशय भंजन हो जा सकता है। प्रश्नकर्ता, माँ, धन, मान, पदोन्नति, यह सब भी क्या भगवान से मांग सकते हैं? ऐसा करना दोष तो नहीं है? माँ, मैं तो कहती हूं, यदि कुछ मांगना है तो भगवान से ही मांगो। तुम्हारा जो कुछ है उसे लेकर ही उनके सामने उपस्थित हो जाओ। वे कृपामय, कल्पमय हैं। उनसे लोग जो चाहते हैं वह मिलता है। भगवान से यदि कुछ मांगना है तो उनको ही मांगना चाहिए, कारण उनको पाने से सब कुछ ही पाया जा सकता है। धन, मान, पदोन्नति, यह सब भगवान के भीतर ही है। इसलिए भगवान को पाने से ही सब पाया जाता है। यदि विषय मांगोगे तो विषय ही मिलेगा, पर विषय तो विष है, जहर। उसके साथ साथ मुसीबत भी आती है। यह भी भगवान की करुणा है, क्योंकि वे धक्का देकर व्यक्ति को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। कष्ट और अभाव के साथ यदि भगवान युक्त हो तो यह सब दुख का कारण नहीं रहेगा। यदि यह सोचो कि भगवान, जो दुख कष्ट पा रहा हूं वह भी तुम्हारा ही दान है, तुम भाव अभाव रूप में मेरे पास आ रहे हो, तब देखोगे दुनिया की परिस्थिति तुमको अशांति नहीं दे सकती है। तुम सर्व रूप में भगवान को पाकर परम शांति, परम आनंद पाओगे। विषय की आकांक्षा ही जीव को बांधकर रखती है। बंधने का अर्थ ही नष्ट होना है। बंधे हुए जल में कीड़े जन्म लेते हैं, पर इस जल को यदि फिल्टर कर लिया जाए तो पीने लायक हो जाता है। तब उसमें बंधने का दोष नहीं रहता। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध भी इसी तरह है। परमात्मा आबद्ध होकर जीव बने हैं। आवरण हट जाए तो जो परमात्मा, वही परमात्मा रहते हैं। माँ से प्रश्न है, माँ, भगवान जिनके ऊपर कृपा करें, उनको क्या प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है? माँ, भगवान कृपा करें तो कुछ बाकी नहीं रहता है। उनकी कृपा तो सर्व रूप में आ सकती है। साधन पथ में लगना भी उनकी कृपा के बिना नहीं होता है। पूर्ण रूप से प्रभुमय हो जाना चाहिए। भगवत कृपा से ही प्रकाश मिलता है। जीवन मुक्त को प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ता। जो सब कुछ जला सकता है वह क्या प्रारब्ध नहीं जला सकता? भगवान के राज्य में सब कुछ संभव है। किसी किसी को साधना की शुरुआत में ऐसा लगता है कि मैं साधन
कर रहा हूँ, इसलिए प्रभु कृपा मिल रही है और समय समय पर और अमुक अमुक स्थान में अनुभव हो रहा है। मैं कर रहा हूँ इससे नहीं होता है। भगवान स्वयं कृपा रूप हैं, वही सब कुछ कराते हैं, इसलिए सब कुछ संभव है। सारा प्रारब्ध जल भी सकता है और फिर दृष्टि भेद से प्रारब्ध भोग है भी। प्रश्नकर्ता, माँ साधन मार्ग में ठीक ठीक प्रगति हो रही है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? माँ, जैसे भोजन करने से पेट भर जाता है, वैसे ही साधन में प्रगति होने से अपने आप पता चल जाता है। तुम ही विचार करो कि तुम्हारे में वासना कामना कितनी कम हुई, शरीर के भोग विलास की वृत्ति कितनी कम हुई, भगवान की तरफ मन एकाग्र होता है कि नहीं, मन कहाँ जाता है, मन क्या चाहता है, इन सब के ऊपर विचार करो, आत्मनिरीक्षण करो, तुम साधन में आगे गए हो या पीछे रहे हो। प्रश्नकर्ता, मां, मनुष्य जब तक संसार जाल में फंसा रहता है तब तक आध्यात्मिक प्रश्नों को पूछने की इच्छा ही नहीं होती है, क्या कारण है? मां, यदि इच्छा रूप से भगवान तुम्हारे में जागृत हो जाएं, तो पीछे श्रेय और प्रिय किसमें हैं इस पर विचार करना चाहिए। साधना में जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना चाहिए। श्रेय को ग्रहण करना चाहिए और प्रिय का त्याग करना चाहिए। चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना आए, श्रेय का पथ छोड़ना नहीं चाहिए। श्रेय माने भगवत प्राप्ति का रास्ता या आत्म साक्षात्कार का रास्ता, और प्रिय माने संसार का विषय भोगों का रास्ता। श्रेय ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। प्रश्नकर्ता, मां, भगवान का स्वरूप कैसा है? मां, जो जैसा चाहे बस वैसा ही स्वरूप है, जो जैसा चाहता है वैसा ही मिलता है। वह सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है, रूप में अरूप में वही है। जो जिस लक्ष्य से भजता है उनको वैसा ही मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।